हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर महंगाई भत्ता डीए डीआर में वृद्धि को लेकर नवंबर 2023 30 नवंबर 2023 को जो रिपोर्ट आती है, एआईसीपी रिपोर्ट, वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है इसमें कि लगातार दूसरे महीने, पिछले 2 महीने गिरावट थी, पर इस बार ज़बरदस्त यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद में यहाँ पर ये डीए है वो 50% जनवरी 2023 से कन्फर्म तय के चांसेस है वो पूरे पूरे बढ़ चुके हैं। पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी ऐसी ही अपडेट यहाँ पर आपको दी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि नवंबर 2023, 30 नवंबर 2023 को जो रिपोर्ट आई है ये अक्टूबर महीने की होती है, और नवंबर की जो रिपोर्ट आएगी वो 31 दिसंबर को आएगी, और दिसंबर की जो रिपोर्ट आएगी वो 30 जनवरी को आएगी। यानी कि 30 जनवरी 2024 को एक्चुअल डीए का पता लग पाएगा कि इतना परसेंटेज आपको मिलने वाला है। बट एक अनुमान यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको बता देंगे कि यहाँ पर जनवरी 2024 से कितना आपको मिलने वाला है। तो ये देख सकते हो, लेबर ब्यूरो ने ऑफिशियली आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें यहाँ पर CPI W की जो आपकी अक्टूबर की रिपोर्ट है उसमें 138.4 का यहाँ पर है वो आपका जो इंडेक्स है वो हो चुका है। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो आप देख सकते हो, आपका जो 1 जुलाई से आपको 46% महंगाई भत्ता है वो दे है, 46.24% बना था, जो कि एक नंबरिंग के सिस्टम में दिया जाता है, तो 46% आपको दे था। बट यहाँ पर आपका जुलाई 2023 के जो आंकड़े आए थे आपके जुलाई महीने के, उसमें 139.7 यहाँ पर आपका इंडेक्स हो गया था, यानी कि 3.3 इंडेक्स की बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें 47.4 यहाँ पर 14 आपका डीए बन गया था। बट इससे अगले महीने अगस्त में गिरावट हुई थी 0.5 अंकों की, जिसमें 47.97% डीए आपका बन रहा था, और सितंबर के जो आंकड़े आए थे उसमें 137.5, यानी कि इसमें आपकी और भी ज़्यादा गिरावट हुई थी, जिसके बाद में 48.5% ही डीए था, और ये लग रहा था कि 50% होगा या नहीं होगा। तो फाइनली आपके जो अक्टूबर महीने के जो आंकड़े आए हैं इसमें 138.4 आपका जो है इंडेक्स हुआ है, जिसमें हम इसमें कैलकुलेटर में डालते हैं तो 49% डीए है वो आपका, पर पहले के 4 महीने में 3% डीए है वो बढ़ चुका है। अभी 2 महीने की रिपोर्ट आना बाकी है, नवंबर और दिसंबर की। अगर यहां पर इन 2 महीने में 1% बढ़ता है तो आपको 50% मिलता है। बट दोस्तों, बढ़ने के चांसेस क्या कुछ हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर 138.4 ही इंडेक्स रहता है, सेम इतना ही इंडेक्स रहता है, तो आपका डीए है वो 50% क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर 138.4 होगा तो आसानी से हो जाएगा। अगर इसमें 1 पॉइंट की गिरावट भी हो जाती है, 137.4 अगर नवंबर में रिपोर्ट आती है और दिसंबर में भी 137.4 रहती है, तो भी आपको 50% डीए है वो दिया जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पर यह है कि और कितनी बढ़ोतरी, यानी कि 50 से ऊपर भी जा सकता है क्या? 50 के तो चांसेस आपके 99.99% हो गए, क्योंकि 2 महीने में 1 पॉइंट भी अगर बढ़ता है आपका जो है इंडेक्स, या सेम रहता है, या 1% तक कमी भी आती है, तो भी आपको 50% मिलेगा, जो कि यहाँ पर दोनों महीने में इतनी गिरावट संभव नहीं है नॉर्मली, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। बट ज़्यादा कितना मिल सकता है इसके लिए हम देखें कि 3% अगर यहाँ पर नवंबर में बढ़ता है, एक तो 141.4 होता है तो 49.89% ये हो जाता है आपका, और इसके बाद में 3% दोबारा से बढ़ता है आपका 2.8%, तो आपका 50.99 होता है, जिसमें आपको 50% ही डीए का भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर अगले 2 महीने में 6 पॉइंट आंकड़े यहाँ पर बढ़ते हैं, तो भी आपका यहाँ पर डीए है वो 50% ही आपको दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि ये आपका 50% पे ही आके रुक रहा है। तो यानी कि 50% डीए आपका 99.99% कन्फर्म हो चुका है। 51% की जो उम्मीदें थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किल में नज़र आ रही हैं। तो 50% डीए के साथ ही हमको यहाँ पर 1% डीए का ज़्यादा फर्क नहीं है, हमको इस चीज़ का फर्क है कि जो 50% डीए के साथ में जो अलाउंसेस बढ़ेंगे, जो यहाँ पर भत्तों में वृद्धि होगी, HRA है आपका, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह है सब, आपका जो चिल्ड्रेन एजुकेशन है, इन सब में जो बढ़ोतरी होगी वो यहाँ पर, जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस है इन सब में बढ़ोतरी होगी, वो हमें चाहिए, जिस जो कि यहाँ पर 50% में होते ही मिल जाएगी। 51% हो सकता है यहाँ पर ना हो जनवरी 2024 से, बट यहाँ पर 50% के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। बाकी आपको आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। अगले महीने की रिपोर्ट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, और भी हम यहाँ पर क्या अलाउंसेस हैं, क्या कुछ बढ़ेंगे, वो सब वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और हमें मोटिवेशन मिले इसके लिए कमेंट करें अच्छे अच्छे, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो जरूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।